लोग, मैं हूं मोहम्मद अनस और ये है मेरा नया यूट्यूब चैनल अनस के वीडियोस। इस चैनल में मैं मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल में अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सब लोग अपने अपने घरों में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन घरों में क्या हो रहा है? तो ऐसे ही एक घर की स्टोरी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टोरी किसकी है, किसने लिखी है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, जरा सा भी स्किप मत कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चिंटू अपने दादाजी के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसके हाथ से दादाजी का चश्मा टूट जाता है और वो उन्हें सॉरी बोलकर चला जाता है। दादाजी वो टूटा हुआ चश्मा लेकर अपनी बहू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बहू जरा देखो तो, ये मेरा चश्मा चिंटू के हाथ से टूट गया है। ये सुनकर बहू ने कहा, पिताजी आप भी ना, आप जरा अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रख सकते क्या? चिंटू तो अभी बच्चा है, अब इस लॉकडाउन की पीरियड में बच्चे बाहर खेलने भी तो नहीं जा सकते, तो उनकी शरारतों को हमें ही झेलना पड़ेगा। और वैसे भी आपको चश्मे की क्या ज़रूरत है, आपकी तो दूर की नज़र काफ़ी तेज़ है। चलो ठीक है, चिंटू के पापा जब उड़ जाएंगे तो उन्हें आपका टूटा हुआ चश्मा दिखा देना, वो किसी गम से इसे चिपका देंगे। दादाजी ने बहू की ये बात सुनी और जाकर कुर्सी पर बैठ गए और अपने बेटे के उठने का इंतज़ार करने लगे और टूटे हुए चश्मे की तरफ देखकर सोचने लगे। एक चश्मा ही तो था जिससे मैं किताबें पढ़ सकता था, क्योंकि इस लॉकडाउन में ना तो पार्क जा सकते हैं, ना तो मंदिर, ना किसी दोस्त से मिलने जा सकते हैं, और अब न्यूज़पेपर वाला भी आना बंद हो चुका है। वो तो अच्छा है कि मेरी किताबों का मुझे सहारा है, वरना इस लॉकडाउन में का एक एक दिन, एक एक महीना लगने लगता। दादाजी ये सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा जाग जाता है और दादाजी अपने बेटे के पास गए और उससे अपने टूटे हुए चश्मे के बारे में बताया। तो उनके बेटे ने चश्मे को उलट पलट कर देखा और कहने लगा, पिताजी ये तो पूरी तरह से टूट चुका है, अभी रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन आप परेशान मत होइए, जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा मैं आपको नया चश्मा बनवा कर दे दूंगा। वैसे भी आप कंटिन्यू चश्मा कहाँ पहनते हैं? फिर दादाजी ने कहा, तुम्हारी तो बात सही है बेटा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और इसे मुझे किताबें पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसे चश्मे के सहारे मैं किताबें पढ़ता हूँ, इससे थोड़ा दिल बहल भी जाता है और वक्त भी अच्छा कट जाता है। ये सुनकर दादाजी के बेटे ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, कुछ ही दिनों की तो बात है, लॉकडाउन तो एक दो हफ्ते में खुल ही जाएगा, तब तक आप एक काम कीजिए, आप बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठ जाइए, थोड़े बाहर के नज़ारे देख लीजिए, इससे आपका दिल भी बहल जाएगा और वक्त भी अच्छा कट जाएगा। दादाजी ने अपने बेटे की बात सुन ली और चश्मे को अलमारी के ड्रॉवर में रख दिया और कुर्सी लेकर बालकनी में बैठ गए और बाहर का नज़ारा देखने लगे। पूरे रास्ते सुनसान थे, ना कोई गाड़ी थी, ना कोई भीड़ थी, सारी दुकानें बंद थी और ना ही बच्चों के खेलने का शोर था, सब तरफ खामोशी ही खामोशी थी। इतने में छोटा सा चिंटू अपने हाथ में कुछ लिए दौड़ता अपने दादाजी के पास आया और अपने दादाजी से कहा, दादाजी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपका चश्मा टूट गया, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपको आपकी किताब पढ़कर सुनाऊंगा। मुझे पता है कि आप APJ अब्दुल कलाम सर की बुक पढ़ रहे थे, तो लीजिए मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी पढ़कर सुनाता हूँ। ये कहकर छोटा सा चिंटू अपनी नन्ही जुबान से किताब पढ़ने लगता है, लेकिन दादाजी उस कहानी को सुनने के बजाय चिंटू के नन्हे होठों को और उसके मासूम चेहरे को देखते ही रह गए और उनके आंखों में कब आंसू आ गए ये उन्हें खुद को ही नहीं पता चला। दादाजी भावुक हो गए और उन्होंने मन ही मन में ये सोचा कि मैं तो खामखा ही परेशान हो रहा था, मेरा छोटा सा चिंटू किसी सहारे से कम थोड़ी ना है, क्या खूब कहा है ना किसी ने, बेटे अगर दूध है तो पोते दूध की मलाई है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आपके पास भी कोई लॉकडाउन से रिलेटेड कोई स्टोरी हो या लॉकडाउन का आपका एक्सपीरियंस हो जो कि यूनिक हो और लोगों को मोटिवेट करने वाली हो, तो आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आपके नाम के साथ आपकी उस स्टोरी को या फिर आपके उस एक्सपीरियंस को सबके साथ शेयर करूंगा। ताकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि स्टोरी किसने लिखी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोरी मैंने ही लिखी है और ये स्टोरी मैं अपने दादाजी को डेडिकेट करता हूँ।